नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, आज का जो नुस्खा ये बहुत ज्यादा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने बालों में से जिद्दी जुओं और लीकों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकोगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जब कोई भी छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बच्चा हो, जब वो अपने बाल खुजाने लगता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात जो आती है ये आती है कि शायद इसके जो घर वाले हैं वो इनका ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से उनके बालों में जुएं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आजकल लोग जो हैं अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते, जब भी वो बाहर टहलते हैं या घूमते फिरते हैं तो उनके जो बाल होते हैं उसके अंदर धूल प्रदूषण की वजह से धूल मिट्टी जमने लगती है, जिसकी वजह से जब उनके बाल गंदे हो जाते हैं तो उनके अंदर जो है लीके पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जब लीके पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में निट्स भी कहते हैं, तो वो एक अंडा छूट जाता है, जिसकी वजह से जो है जुएं पैदा होने लगती हैं। और जब आपके बालों में जुएं पैदा होने लगती हैं तो वो आपका खून पीने लगती हैं, यानी कि आपके जड़ों में जाकर के समाती हैं और वो धीरे धीरे करके आपका खून पीती हैं और वो फिर एक अंडा देती हैं। तो इस तरीके से आपके बालों में जुएं और लीके फैलने लगते हैं। इसकी वजह से अगर आप चार लोगों में भी खड़े होते तो आप वहां पर भी अपने बालों को खुजाने लगते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। लेकिन अब आपको निराशा रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो घरेलू नुस्खा है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको कुछ इस प्रकार से नमक लेना है, उसके बाद जो है आपको एक खाली कटोरी लेनी है, और उसके बाद जो है आपको इसके अंदर दो छोटे चम्मच जो है नमक के ऐड कर लेने हैं। जी हाँ फ्रेंड, दो छोटे चम्मच जो है आपको इसके अंदर नमक के ऐड कर लेने हैं। इसके बाद जो आपको दूसरा काम करना है, वो आपको करना क्या होगा कि आपको लेना होगा आधा कप पानी। जी हाँ, आपको आधा कप पानी लेना है और आपको उसको गर्म कर लेना है। दोस्तों, आपको उसको गुनगुना करना है, और जो आधा कप जब आप गुनगुना कर लोगे तो आपको उसको इस तरीके से पानी को मिला देना है और अच्छे तरीके से आपको चला लेना है। दोस्तों, अच्छे तरीके से आपको इसको चलाना है ताकि जो हमने इसके अंदर नमक ऐड करा है वो इसके अंदर समा सके तथा इसके अंदर घुल सके। जब ये अच्छे प्रकार से घुल जाएगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं आपको जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ, जब ये घुलने लगेगा तो इसका रंग बदलने लगेगा, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अच्छे प्रकार से आपको इसको घोल लेना है। जब आप इसको घोल लोगे तो आपको करना क्या है, इसको अपने बालों में कैसे लगाना है वो आप ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहें। तो आपको सबसे पहले अपने बालों को एक अच्छे शैम्पू से वॉश कर लेना है, जो भी आप रोजाना बेसिस पे यूज़ करते हो। उस शैम्पू से वॉश करने के बाद तौलिया से पोंछ लेना है, और उसके बाद आपको अपने बालों को वापस से इससे धो लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये नुस्खा हमने तैयार करा है, इससे आपको अपने बालों को वापस से धो लेना है, ताकि आपके बालों में जितनी भी जुएं थी वो निकल जाएं, ताकि आपके बालों में जितनी भी जुएं थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और जो आपके बालों में लीक थी वो भी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। दोस्तों, ये जो नुस्खा है ये बेहद खास और बहुत ज़्यादा असरदार नुस्खा है, एक बार आप इसको जरूर यूज़ कीजिएगा। हफ्ते में आपको इसको सिर्फ 3 दिन लगाना है और आप देखोगे कि आपकी जो जुएं हैं और जो लीकें थी बालों में वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मैं तब से आपके लिए आज का नुस्खा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं वो लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए घंटे को दबाएं, ताकि आने वाले सारे नुस्खे आप लोग सबसे पहले देख पाएं। धन्यवाद।